को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई लोग। मस्टैंग राइड के लिए लगता क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक होते हैं, तो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस के लिए आप रेडी रहिए। अगर आप मस्टैंग आ रहे हैं तो आपको बस दो डॉक्यूमेंट चाहिए, भंसार एंड परमिट, दैट्स इट। वो चेक पोस्ट पे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको परेशान भी कर सकते हैं, उस लैंडस्लाइड में आप ना फंसे। तो आज मैं हूँ बेनी में। कल रात को हम जॉमसन से नीचे उतरना स्टार्ट कर दिए थे और लगभग 9:30 बजे तक हम बेनी पहुँच गए थे। रात का टाइम था इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया, तो आज का व्लॉग मैं बेनी से स्टार्ट करूँगा और हम पोखरा जाएंगे। रोड्स अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रूट सेम रहने वाला है, तो मैंने सोचा इस रूट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्यों ना आपको कुछ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ अगर आप मुस्तांग राइड के लिए प्लान कर रहे हो तो। ठीक है, तो जितने हो सकते हैं मैं आपको राइड पे टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, जो बच जाएंगे वो मैं आपको हॉस्टल पहुंचने के बाद दूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, और इसके पहले जो मैंने मुस्तांग सीरीज के वीडियो डाली है वो नहीं देखी तो जाके चेक कर लो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड लेट्स गो एंड बिगिन द राइड। को लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई लोग, नेपाली लोग, बेनी का लाइक दिया लोग। फ्यूल डला रहे हैं यहाँ पे, फ्यूल हमने फुल करा लिया है, 185 रुपीज़ पर लीटर। कहीं कहीं आपको डिजिटल मीटर देखने मिल जाएगा, कहीं कहीं एनालॉग मीटर ही है जैसे पुराने थे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और पहुंचते हैं भाई बेनी से पोखरा, और रास्ते में आपको सारी डिटेल्स देते चलता हूं। तो अभी हमने काल गंडकी रिवर का जो ब्रिज है वो क्रॉस किया है, और आप मस्टांग राइड के लिए ना अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना है कि नेपाल की ज्योग्राफी क्या है। ठीक है, तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको माउंटेंस ही माउंटेंस मिलेंगे, चाहे आपको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, कोई एक जगह से दूसरे जगह जाना है, आपको माउंटेन पे से ही ट्रैवल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये, अगर आप मस्टैंग राइड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप मेंटली ये चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाइए कि आपको लॉन्ग आर्स के लिए माउंटेन्स पे राइड करना पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, ठीक है, कि मस्टैंग राइड के लिए लगता क्या है। तो मस्टैंग राइड के लिए मैं लोअर मस्टैंग की बात कर रहा हूँ, अपर मस्टैंग की भी बता देता हूँ आपको। तो लोअर मस्टैंग के राइड के लिए आपको लगता है एक लोअर मस्टैंग का परमिट, जो कि आपको इमिग्रेशन ऑफिस से मिल जाएगा पोखरा से, और 1000 नेपाली रुपीज में आपको इजीली मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट के तौर पे बस आपको अपना आधार कार्ड देना है और दो फोटोज देने हैं, और आपको अराउंड 15 से 20 मिनट में इजीली लोअर मस्टैंग का परमिट मिल जाएगा। अब बात करते हैं अपर मस्टैंग की। अपर मस्टैंग के लिए $500 पर पर्सन, ये है उनका परमिट चार्जेस। और उसके अलावा जो गाइड आपको मैंडेटरी है लेके जाना, तो गाइड का चार्जेस अराउंड $25 to $30 पर डे रहता है। और जो मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ, करंट रेट्स हैं सितंबर 2023 के, आगे चल के रेट्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट हो सकते हैं, फिलहाल तो यार ये रेट है। अब आते हैं भाई अपने थर्ड पॉइंट पे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चेक होते हैं जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, चाहे आप सनौली बॉर्डर से आ रहे हैं, चाहे जो भी बॉर्डर से आ रहे हैं। तो जैसे आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आपका एक डॉक्यूमेंट बनता है जो नेपाल में वैलिड होता है, और उसको कहते हैं भंसार। तो भंसार जो है आप कितने दिन के लिए रह रहे हो उसके हिसाब से बनते हैं। तो 200 नेपाली रुपीज पर डे के हिसाब से, अगर आप 15 दिन के लिए रह रहे हो तो 3000 रुपये वो नेपाली रुपीज चार्ज करेंगे आपका भंसार बनाने के लिए। और ये जो भंसार है ये बनता है बॉर्डर पे। अगर आप सिर्फ नेपाल में पोखरा काठमांडू घूम रहे हो तो भंसार इज इनफ, और अगर आप लोअर मस्टैंग करने का सोच रहे हो, फिर अपर मस्टैंग करने का सोच रहे हो, तो उसके लिए भंसार एंड आपका लोअर मस्टैंग का परमिट रिक्वायर्ड है। अगर अपर मस्टैंग करने का सोच रहे हो तो भंसार और अपर मस्टैंग का परमिट रिक्वायर्ड है। तो परमिट और डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। अगर आप पोखरा से जा रहे हैं लोअर मस्टैंग, तो जो रास्ता है वो माउंटेंस पे से होके ही जाता है, और जो नेपाल के माउंटेंस की मिट्टी है ना, इसको कहते हैं बालू मिट्टी। मतलब जैसे रेतीली मिट्टी होती है, वैसे उस रेतीली मिट्टी में पत्थर भी होते हैं। तो होता क्या है कि जब भी बारिश होता है उस टाइम पे वो रेतीली मिट्टी जो है खिसक जाती है, उसके साथ जो उसमें पत्थर बंधे होते हैं मिट्टी में, वो भी रोड पर आ जाते हैं। और ऐसे रास्तों पे आपके पास कौन सी बाइक है ये कम मैटर करती है, आपके पास राइडिंग स्किल कितनी है वो ज़्यादा मैटर करती है। क्यों? क्योंकि
रास्ते ऐसे हैं, आपके बाइक में पावर ज़रूर होगा लेकिन थ्रॉटल ही इम्पॉर्टेंट नहीं है ऐसे रास्तों पे। आपके स्किल्स, जो राइडिंग स्किल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा काम आएंगे ऐसे रास्तों पे। तो अगर आप एक पावरफुल बाइक के साथ आ रहे हो और आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हमारे बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, इसके बावजूद हमने अपनी बाइक अराउंड 3 times गिरा दी है, गिर गई है हमसे हमारी बाइक। अगर आपकी बाइक लोडेड है फुली और आप भी उस पर बैठे हो तो अराउंड 300 किलो तो बाइक आराम से है आपके वेट के साथ। तो वही कहना चाह रहा हूँ कि बाइक का वेट जो है वो काफ़ी हैवी हो जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है फिर भी नीचे बाइक के पत्थर लड़ेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होने के बाद भी अगर आपका आगे वाला टायर किसी पत्थर पर चढ़ गया और मान लो आपकी बाइक थोड़ी बहुत स्लो हो गई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पैर हवे में होंगे और आप गिर जाएंगे, फॉल हो जाएगा। भले ही फॉल ज़्यादा हार्ड ना हो, सॉफ्ट फॉल ही हो, बट हो जाएगा। रास्ते में बहुत ज़्यादा पत्थर हैं, स्लजी रास्ता है, थोड़ी बहुत रिवर क्रॉसिंग है, बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे, कहीं कहीं रास्ते ही नहीं हैं। तो ऐसे सारे एक्सपीरियंसेस के लिए आप रेडी रहिए अगर आप मुस्टैंग आ रहे हैं तो। इसके अलावा जो माउंटेंस हैं ना, उसमें से हमेशा पानी निकलते रहते हैं, तो होता क्या है, तो जो लूज माउंटेंस हैं वो लैंडस्लाइड होने के बाद आ जाते हैं रोड पे। हालांकि जो बुलडोज़र हैं और वो सारी चीज़ें JCB हैं, वो अपने काम पे हमेशा वहीं पे लगे रहते हैं। जैसे लैंडस्लाइड हुआ वो एक दिन के अंदर सारा क्लियर कर देंगे। वो इसलिए क्योंकि नेपाल का जो पूरा इकोनॉमी है वो ज़्यादातर टूरिज्म पे बेस्ड है, तो अगर उसे क्लियर नहीं करेंगे तो लोग जाएंगे कैसे और गवर्नमेंट को पैसा कैसे मिलेगा। इसलिए फटाफट क्लियर हो जाता है, क्लियर होने का टेंशन नहीं है। बस ये है कि उस लैंडस्लाइड में आप ना फंसे, आप ना विक्टिम बने उस लैंडस्लाइड के इंसिडेंट का। तो अब बात करते हैं कि भाई आपको क्या कैरी करना चाहिए और क्या कैरी नहीं करना चाहिए अगर आप लोअर मस्टैंग के लिए, अपर मस्टैंग के लिए जा रहे हो। आप अपने पर्सनल बिलोंगिंग में कुछ भी कैरी करिए, डजेंट मैटर। अगर आप एक क्रिएटर हैं, उस रीजन में ड्रोन ना ले जाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पर आप उड़ा नहीं सकते, आप चोरी छुपे उड़ा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपका ड्रोन वहाँ पर पकड़ लिया गया तो वो सीज हो जाएगा। और सेकेंड चीज़ ये कि कहीं कहीं चेक पोस्ट पर आपको रुकाया जाएगा आपका डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। एक चेक पोस्ट है घासा का, वो चेक पोस्ट पे जो ऑफिशियल्स होते हैं वो आपको परेशान भी कर सकते हैं कि आपके पास ये नहीं है वो नहीं है। सब होने के बाद भी सिर्फ पैसे लेने के लिए, आपके पास भंसार होगा, आपके पास परमिट होगा, फिर भी कहेंगे आपको रोड टैक्स 500 का पे करना चाहिए था इस रोड पे चलने के लिए। वो सब बकवास बातें हैं, वो सब बस आपसे पैसे निकलवाने की चीज़ें हैं। आपको बस 2 documents चाहिए, भंसार एंड परमिट, दैट्स इट, यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग। इसके अलावा जो टूल किट है वो अपने साथ रखिए हमेशा। टूल किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी बाइक फॉल होगी ना तो कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ ढीला हो ही जाएगा, चाहे आप टॉप बॉक्स लगाए हो, चाहे आप कुछ भी लगाए हो, ठीक है, हैंड गार्ड लगाए हो, कुछ ना कुछ लूज होगा, तो उसके लिए टूल किट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास एडवेंचर टूरर है तो मेक श्योर करिए कि आप अपना हैंड गार्ड लगा के रखिए, और जो बाइक के क्रैश गार्ड्स होते हैं वो भी आप लगा के रखिए, कि बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कम है और आपके पैर इजीली पहुंच जाते हैं तो आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एडवेंचर टूरर है तो बेटर है, या फिर कोई कॉस्टली बाइक है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्रैश गार्ड और हैंड गार्ड लगा के रखें। इसके अलावा फर्स्ट एड किट और मेडिकल किट अपने साथ रखिए, आपको चोट लग सकती है राइड करते टाइम अगर आपकी बाइक फॉल होती है तो बेटर है मेडिकल किट। और इसके अलावा आप अपने बाइक का जो टूल किट है वो अपने साथ रखिए। यहाँ पे जितने भी आपको रिवर ब्रिजेस देखने मिलेंगे उस पे लिखा होगा खोला ब्रिज। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ले लिया जाए, एक ब्रिज था भी पीछे, अम्बोट खोला ब्रिज, ब्रिज का नाम है अम्बोट, खोला मीन्स नदी होता है और ब्रिज मतलब अम्बोट रिवर ब्रिज, ये मतलब होता है। यहाँ पे जितने भी आपको ब्रिजेस देखने मिलेंगे रिवर के ऊपर से, सब पे यही लिखा होगा खोला खोला, कहीं कहीं आपको धोती खोला ब्रिज मिल जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब भी आप आ रहे हैं अपने साथ सफिशिएंट कैश कैरी करिए, चाहे वो नेपाली रुपीज़ वाला कैश हो, चाहे वो आपका इंडियन रुपीज़ वाला कैश हो, कैश अपने साथ रखिए। क्योंकि अगर आप ये सोच के आना कि आपका ATM यहाँ पे हर बैंक में चलेगा, नहीं, कुछ ही सिलेक्टेड बैंक में चलता है और वो पता नहीं कि आपको उस बैंक का ATM मिलेगा नहीं मिलेगा। पोखरा में आपको एक्सचेंज करने मिल जाएगा, बीच में और कई सारे जगह हैं जहाँ पे आपको लोकल शॉप पर भी लोग एक्सचेंज करके दे देंगे। हाँ, रेट्स जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, 1.6 था पहले, लेकिन अभी जो है यहाँ पे सारे लोग 1.7, 1.8 ऐसे ही एक्सचेंज रेट्स आपको देंगे अगर आप लोकली एक्सचेंज करा रहे हैं तो। अब बात करते हैं भाई टाइम कितना लगता है। टाइम अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल तो 5-5.5 घंटे लगते हैं पोखरा से जॉमसन पहुंचने के लिए, लेकिन
पहाड़ों पे आप कुछ कह नहीं सकते, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड पे चलाते हैं। पूरा चैलेंज है वो बेनी जॉनसन रोड पे ही है, तो उतना वाला स्ट्रेच जो है आप कैसे कवर करेंगे, कितने टाइम में कवर करेंगे, ठीक है, कितने ब्रेक्स लेते हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर आप कंटिन्यूस राइड कर रहे हैं बिना ज़्यादा ब्रेक के तो 5.5 घंटे पहुँच जाएंगे। बेनी जॉनसन रोड पर आपको टाइम लगेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि रोड्स अच्छे नहीं हैं, आपको स्लो ही चलना पड़ेगा। बेनी जॉनसन रोड में भी आखिरी के जो 40 किलोमीटर्स हैं, जब आप जॉनसन पहुंचने वाले रहते हो, वहाँ पे आपको कुछ कुछ पैचेस अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है उन लोगों ने कंक्रीट का रोड बनाना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ज़्यादातर 70% अराउंड जो रास्ता है बेनी जॉनसन का वो ख़राब ही है, सिर्फ 30% आपको कहीं कहीं बीच में पैचेस अच्छे मिलेंगे। बेनी जॉनसन का जो रिस्की वाला पार्ट है उसको अगर हटा दिया जाए तो आप यार पूरी राइड में ना खूब सारे नज़ारे इन्जॉय करोगे, चाहे आप पोखरा से जब बेनी जा रहे हो तब का हो, या फिर आप जब जॉनसन पहुंचने वाले रहोगे उस टाइम पे जो आपको अच्छे अच्छे रोड्स मिलेंगे ना, उस टाइम पे आप इतने क्रेजी नज़ारे इन्जॉय करोगे कि मैं बता नहीं सकता आपको। और उसके बाद जब आप जॉनसन से मुक्तिनाथ जाएंगे ना, तब भी आपको ऐसे रास्ते में नज़ारे मिलेंगे जो आपने शायद अपने लाइफ में कभी देखा हो। तो आप बेशक यार मुस्टैंग राइड लगाइए, ठीक है, लोअर करिए, अपर करिए, जैसे आपकी मर्जी हो, फुल सेफ्टी के साथ करिए। अगर आप अपर मुस्टैंग कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत कमी है। तो उसके वजह से कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप राइड लगा रहे हो तो आपको ऑक्सीजन की कमी की वजह से आप यहाँ वहाँ डायरेक्शन में भटक जाओ, आप गिर जाओ पहाड़ से, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिस्क है यार हाई अल्टीट्यूड के। तो प्रॉपर गाइड के साथ और प्रॉपर सेफ्टी के साथ और प्रॉपरली अच्छे से इक्विप्ड होकर राइड करें। और ये देखो, ये अपना भाई बैठा है यहाँ पे, स्वागत व्लॉग्स। हम लोग थोड़ा पीछे रह गए थे तो ये वेट कर रहा था हमारा यहाँ पे। तो ये जो पूरा जो आप यहाँ पे माउंटेन्स और हिल्स देख रहे हो, ये सब अन्नपूर्णा हिल रेंज है। इसके वजह से ये जो पूरा एरिया है ना वो आता है एकैप में। एकैप होता है अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट ने उसे नाम दिया है। और आपको जो लोअर मुस्टैंग के लिए परमिट लगता है वो भी एकैप का परमिट लगता है। और अगर आप फ्रिक्वेंटली राइड करते हैं और आप एक राइडर हैं, या फिर अगर आप वैसे भी आ रहे हैं, तो बिना राइडिंग गियर्स के राइड ना करें। और अगर आपके पास राइडिंग गियर्स नहीं है ना, तो एटलीस्ट बेसिक प्रोटेक्शन वाले जो गियर्स आते हैं, जो नी कैप्स आते हैं, एल्बो कैप्स आते हैं, प्रॉपर हेलमेट के साथ, ये सारी चीज़ें आप डेफिनेटली अपने साथ रखिए, क्योंकि लाइफ सेविंग गियर्स है भाई। क्योंकि जब फॉल होता है ना और आप गिरते हैं ना, तो यही सारे गियर्स है जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। ये माउंटेन के जितने रीजन है, यहाँ पे आप ओवरटेक मत करिए किसी भी चीज़ को अनटिल आपको क्लियर लाइन ऑफ साइट दिख रहा है दूर तक। और इसके अलावा ओवरटेक मत करिए, और जो ऐसे शार्प टर्न्स आते हैं माउंटेन्स पे, उस पे आप अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लीजिए, ताकि आप इजीली टर्न ले सकें और रिस्क भी ना हो। मुस्टैंग हमने फतेह किया है तो आप भी फतेह कर लेंगे, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको जो मैंने वीडियो में बता दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसे जगहों पर जब आप राइड करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप क्लच पकड़ के खूब सारा एक्सेलरेटर दें, जिसके वजह से आपका क्लच प्लेट जो है वो जा सकता है। सो यहाँ पे आपको बहुत सारे सर्विस सेंटर्स और रिपेयर शॉप्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई कॉस्टली बाइक है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ पे आपको उसका क्लच प्लेट ना मिले, तो बेटर है कि आप उसका क्लच प्लेट खुद कैरी करिए। आई होप आपके लिए वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपके कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये वीडियो का हम यहीं पे एंड करेंगे फिलहाल के लिए। साइनिंग ऑफ फ्रॉम नेपाल, आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।